यदि हम बेल का जूस रोज पीते हैं तो कब्ज, गैस, एसिडिटी जैसी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। बेल का जूस हमारी बॉडी को लू से भी बचाता है। जैसे गर्मियाँ चल रही है और गर्म हवाएं चल रही है तो हमारी बॉडी को जो है डिहाइड्रेट करता है यानी सुखाता है, तो हमको ये लू से भी बचाता है। ये बहुत ज़्यादा गुणकारी होता है क्योंकि इसमें विटामिन सी, फाइबर, प्रोटीन और आयरन पाया जाता है। साथ ही साथ ये दिल से जुड़ी बहुत सारी बीमारियों को भी दूर रखता है। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यासिका कुकिंग सुकिंग में। आज की ये हेल्दी सी ड्रिंक की रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो रेसिपी को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। सबसे पहले हमने यहाँ पर बेल ले लिया है, बेल को मैंने पहले से ही धो लिया है। तो हमने यहाँ पर दो बेल ली है, तो बेल का एक हमें डेमो करना है। हमें ये देखना है कि जूस के लिए कौन सी बेल परफेक्ट है। ऊपर से ये दोनों बेल हमें पकी हुई और अच्छी दिखाई दे रही है। तो जैसे मैंने बेलन से इसको इस तरीके से तोड़ा है तो बस मुझे ये दो से तीन ही बेलन मारने पड़े हैं और बेल जो है एकदम से टूट रही है। तो ऐसा लग रहा है कि बेल हमारी बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये बेल बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। अगर आप इसको हल्का सा सूंघ के देखोगे तो आपको इसमें खटास पर नज़र आएगा, इसलिए आपको इस बेल का जूस बिल्कुल भी नहीं बनाना है। तब मैंने यहाँ पर दूसरी बेल ले ली है, इसको भी मैंने पहले से ही धो लिया था। तो ये देखिए, इसको तोड़ने में मुझे थोड़ा सा जो है मतलब दिक्कत सी आ रही है, थोड़ा हार्ड टूट रही है। लेकिन जब मैंने इसको तोड़ा है तो ये थोड़ी हार्ड तो ज़रूर टूटी है, और जब मैं इसको खोल रही हूँ तो ये देखिए बिल्कुल गोले की तरह ये खुल चुकी है। बेल बहुत अच्छे से पकी है, पकने के बाद कलर इसका भी ऐसा ही आया हुआ है जैसा बेली पहले वाली बेल का आया हुआ था। तो लेकिन ये बेल बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं हो रही है। तब आप एक चम्मच की सहायता से इस बेल के गूदे को अच्छे से निकाल लोगे। तो यहाँ पर मैंने बेल का सारा गूदा निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें एक टेबल स्पून चीनी डालनी है। चीनी यहाँ पर ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हो डालें या स्किप कर दे। थोड़ी सी फ्रेश पत्तियाँ पुदीना की डाल दी है, टेस्ट आएगा बहुत अच्छा हमारे जूस में। और यहाँ पर दो पिंच के जितना मैंने सेंधा नमक डाला है। तब इसमें हम 50 ग्राम के जितना पानी डालेंगे, और ये काम हमें हाथों से करना है, और हाथों से हमने यहाँ पर बेल वगैरह भी तोड़ी है तो इसलिए हाथों को पहले अच्छे से धो लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने हाथों को अच्छे से धो लिया है। अब हमें क्या करना है, बेल, पानी, पुदीना, इसको बहुत ही अच्छे से लगभग 1.5 से 2 मिनट के लिए इसको रगड़ना है या मसलना है, जब तक इसका एक गाढ़ा सा जूस ना बन जाए। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से रगड़ा जा रहा है। इस जूस को बनाने के लिए आप मेरी मानिए तो मिक्सी का या मशीन का यूज़ बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो जूस जो होता है वो थोड़ा कड़वा हो जाता है। तब हम यहाँ पर इसको अच्छे से रगड़ कर इसमें हम नॉर्मल ठंडा पानी डालें, नॉर्मली हम यहाँ पर ठंडा पानी डाल रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर 100 ग्राम के जितना पानी डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो यहाँ पर हमारा एक गाढ़ा सा घोल बनके तैयार हो चुका है, लेकिन अभी भी इसमें कहीं कहीं गूदा बचा हुआ है। उसके लिए हमें क्या करना है, दूसरा बर्तन ले लेना है और एक मोटी जाली वाली छलनी ले लेनी है। जो काम हमारा हाथ से नहीं हो पाया है वो काम ये छलनी कर देगी। तो इस जूस को डाल लेते हैं इस छलनी में और इसको भी लगातार कम से कम 1 मिनट के लिए इस तरीके से चलाते हुए सारा जो जूस है वो नीचे निकाल लेते हैं। तो जो इसमें गूदा बचा हुआ है वो छलनी की हेल्प से सारा नीचे चला जाएगा और ये मोटा मोटा कूड़ा हमारा ऊपर रह चुका है। तो जो हमारा पुदीना था उसका भी जूस बढ़िया निकल चुका है इस छलनी की हेल्प से। तब हम इसमें पानी डालेंगे, पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। वैसे तो मैं यहाँ पर जैसे मैंने एक बेल ली है, इस बेल में मैंने यहाँ पर 1 लीटर पानी डाल दिया है लगभग में। और ये देखिए जूस की जो थिकनेस है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। बस इसको एक दो बार अलट ले पलट ले आप और बिल्कुल परफेक्ट जूस हमारा बनके तैयार हो चुका है। ना तो ये बहुत ज़्यादा पतला है और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी सी ड्रिंक बनकर तैयार हो चुकी है। यहाँ पर हल्का सा डेकोरेट कर देते हैं हम पुदीना की पत्ती से। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया हमारा ये बेल का जूस बनकर तैयार हुआ है। यदि आप भी इस बेल का जूस का सेवन रोज़ करते हो तो गैस, कब्ज, एसिडिटी जैसी बहुत सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। इसको बनाना भी बहुत आसान है। एक बेल की जो कॉस्ट पड़ी है लगभग 8 रुपये पड़ी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये 10 से 15 रुपये में मिल जाएगी और आपका 3 से 4 गिलास जूस बनकर तैयार हो जाएगा। यही जूस अगर आप मार्केट में पीने के लिए जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है एक जूस का कम से कम आपको 20 से 25 रुपये देना होगा। यदि छोटी सी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।